नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। राजस्थान से आज की कहीं बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। राजस्थान कोरोना अपडेट, 1137 नए केस मिले हैं। राजस्थान में आज 8वीं क्लास तक के सरकार ने स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बादल छाए ओले बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जयपुर में रात्रि कर्फ्यू में घूमने वालों पर होगी सख्ती। राजस्थान में इस तारीख से लगने वाला है लॉकडाउन। ऐसी कहीं बड़ी खबरें सामने आ रही हैं राजस्थान से। आइए जान लेते हैं राजस्थान की पहली और सबसे बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आपने नहीं किया है इस वीडियो को लाइक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही कोई नई अपडेट आई सबसे पहले जानकारी आपको मिली। चलिए प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी खबर जान लेते हैं। राजस्थान कोरोना अपडेट, 1137 केस मिले हैं आज। सरकार भले ना माने लेकिन कोरोना की तीसरी लहर कहर बनकर आ चुकी है। 7 महीने के बाद राजस्थान में 24 घंटों में कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इससे पहले 4 जून 2021 को 1000 से ज्यादा केस सामने आए थे। मंगलवार को प्रदेश में 1137 केस सामने आए हैं। वहीं अकेले जयपुर में 24 घंटों में 745 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जयपुर में कोरोना के एक मरीज की मौत भी हो गई है। मानसरोवर के बाद अब वैशाली नगर संक्रमण का बड़ा हॉटस्पॉट क्षेत्र बन गया है। यहां सबसे ज्यादा 42 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 185, अजमेर में 43, अलवर में 39, बाड़मेर में 2, भरतपुर में 20, भीलवाड़ा में 21, बीकानेर में 12, चित्तौड़गढ़ में 2, दौसा में 1, धौलपुर में 1, गंगानगर में 7, कोटा में 31, सीकर में 2, सिरोही में 2, टोंक में 2, उदयपुर में 9 केस सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि बांसवाड़ा, बारा, बूंदी, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, नागौर, पाली, राजसमंद, सवाईमाधोपुर में एक भी केस नहीं मिला है। चलिए दोस्तों अगली अपडेट जान लेते हैं। हाई कोर्ट, मंदिर, स्कूल, कोचिंग से लेकर सरकार तक सब वर्चुअल। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण अब सरकार से लेकर हाई कोर्ट और प्रमुख धार्मिक स्थल मंदिर भी पूरी तरह से वर्चुअल मोड पर आने लगे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश निकाले हैं कि 5 जनवरी से 14 जनवरी 2022 तक हाई कोर्ट केवल वर्चुअल मोड पर ही काम करेगा। इस पीरियड के दौरान जहां तक संभव है 75% कोर्ट स्टाफ को रोटेशन के आधार पर ऑफिस में बुलाया जाएगा, बाकी स्टाफ को घर से ही काम करना होगा। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में भी वर्चुअल दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम मंदिर ने कोविड महामारी के ओमिक्रॉन वेरिएंट के चलते आम लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए साप्ताहिक अवकाश रविवार शुक्ल पक्ष की 11-12 मुख्य उत्सव के दौरान मंदिर के पट बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं 8वीं क्लास तक सरकार ने स्कूल बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशनल का ऑप्शन भी खुला रखा है। प्राइवेट और सरकारी प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन एजुकेशन अब आगे भी एक्सटेंड रखी जाएगी। साथ ही सरकार सीनियर क्लासेस के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पर विचार कर रही है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में बादल छाए ओले बारिश का अलर्ट। राजस्थान में बारिश फिर लौटी है। सोमवार रात गंगानगर, बीकानेर, चूरू जिले में बूंदाबांदी हुई थी। प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार को बारिश हुई। ओले गिरने की आशंका भी जताई जा रही है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक आगामी दिनों में 2 दिन बैक टू बैक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने वाला है। बारिश का दौर 8 जनवरी तक रहने की संभावनाएं हैं। 5 और 7 जनवरी को सर्वाधिक असर रहने और कहीं कहीं ओलावृष्टि होने की संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विभाग ने 8 जनवरी से पश्चिम विक्षोभ का असर कम होने और प्रदेश में मौसम साफ होने की संभावनाएं जताई है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। जयपुर में रात्रि कर्फ्यू में घूमने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जयपुर में लगातार कोरोना विस्फोट जारी है। मंगलवार को 24 घंटों में 745 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद चिकित्सा विभाग व जिला प्रशासन की परेशानी बढ़ाती है। शहर में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन अभी भी शहरवासी इनकी पालना नहीं कर रहे हैं। अभी भी कहीं इलाकों में लोग बेवजह गाड़ियों में घूम रहे हैं। ऐसे में अब जयपुर पुलिस इन लोगों से सख्ती से निपटेगी। रात 11 बजे से शहर में कहीं इलाकों में नाकाबंदी रखी जाएगी, जहां पुलिस रात 11 बजे सभी वाहनों की चेकिंग करेगी। इसके अलावा लोगों से कर्फ्यू के वक्त घूमने पर पूछताछ की जाएगी। कोई कारण नहीं होने पर ऐसे वाहन चालकों और राहगीरों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। रीट पर गहलोत ने पायलट की सलाह खारिज की। रीट 2021 में पदों की संख्या 31,000 बढ़ाकर 50,000 करने की मांग को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिर से खारिज कर दिया है। पद बढ़ाने की मांग को लेकर सचिन पायलट ने 10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखी थी। अब गहलोत ने पायलट सहित सभी नेताओं और आंदोलन करती छात्रों की मांग मानने से इनकार कर दिया है। गहलोत ने साफ कर दिया है कि रीट में पद नहीं बढ़ेंगे। रीट में पद बढ़ाने की मांग के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है, जहां तक रीट की बात है इतनी बड़ी संख्या में रोजगार दे रहे हैं, 1 लाख बच्चों को रोजगार मिल रहा है,
हैं। जो बच्चे मांग कर रहे हैं उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए। पहली वाली वैकेंसी जिसके एग्जाम हो चुके हैं, ऐसा कभी होता नहीं है कि उसके बाद पद बढ़ाए जाए। जो बच्चे धरना दे रहे हैं उनसे अपील करूंगा कि ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए, उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि अगली बार उनका नंबर आ जाए। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में 322 पदों पर भर्ती। भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी कर देश की सेवा करने का सुनहरा मौका है। रक्षा मंत्रालय के तहत इंडियन कोस्ट गार्ड ने 322 पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें नाविक जनरल ड्यूटी के 260 पद, नाविक डेमोटिक ब्रांच के 35 पद हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिकल के 13 पद हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के 9 पद हैं और इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के 5 पद सहित कुल 322 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए उम्मीदवार मंगलवार से 14 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट joinindiancoastguard.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर और इसकी योग्यता आप जान सकते हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। RBIC के प्रैक्टिकल एग्जाम 17 जनवरी से। प्रदेश में कोविड के बढ़ते संक्रमण का असर अब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं पर भी पड़ने जा रहा है। कोविड के खतरे को देखते हुए ही बोर्ड 12वीं के प्रैक्टिकल एग्जाम लगातार दूसरे साल भी स्कूल स्तर पर ही संपन्न कराने का निर्णय किया गया है। प्रायोगिक परीक्षाएं 17 जनवरी से 5 फरवरी के बीच आयोजित कराई जाएगी। बोर्ड ने सोमवार को इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। बजरी समस्या का जल्द होगा समाधान। राजस्थान सरकार प्रदेश की नई माइनिंग पॉलिसी को महीने भर में जारी करने की तैयारी कर रही है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा है कि बजट से पहले नई माइनिंग पॉलिसी का काम पूरा हो जाएगा। जल्द माइनिंग पॉलिसी को कैबिनेट के सामने रखेंगे। नई पॉलिसी में घोषणा पत्र की संभावना के अनुसार ही हमने काम किया है। SC ST OBC सहित सभी तबाकों का ध्यान में रखा गया है। अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने और सरकार को ज्यादा रेवेन्यू मिले, इस पर फोकस रखा गया है। भाया प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इसी टाइम ये पता चला। खान मंत्री ने कहा है कि बजरी पर सुप्रीम कोर्ट में प्रभावी पैरवी के बाद अब जल्द सुमूत्रों का समाधान हो जाएगा। बड़े लीज होल्डर को अनुमति मिलने के बाद वहां खनन शुरू हो गया है। जल्द बजरी खनन की ओर जगह भी मंजूरी मिलने वाली है। इसके कारण जल्द ही राजस्थान में बजरी संकट खत्म होने वाला है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। 15 जनवरी से बंद होगा जैसलमेर अहमदाबाद का हवाई सफर। जैसलमेर का अहमदाबाद से हवाई सफर 15 जनवरी के बाद रुक जाएगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर रेनो की मरम्मत के काम का हवाला देकर जैसलमेर अहमदाबाद हवाई सेवा का संचालन कर रही ट्रेजेट कंपनी ने हवाई सेवा बंद करने का फैसला किया है। कंपनी के इस फैसले से जैसलमेर में पर्यटन को नुकसान होने की संभावनाएं हैं। दरअसल एकमात्र एयरलाइंस कंपनी ट्रेजेट जैसलमेर अहमदाबाद के बीच नियमित हवाई का संचालन करती है, लेकिन कंपनी की तरफ से 15 जनवरी के बाद हवाई सेवाओं के लिए बुकिंग नहीं ली जा रही है और सेवाओं को स्थगित किया जा रहा है। दोस्तों ये थी प्रदेश की आज की ताज़ा खबरें, और ऐसी ही खबरें जानने के लिए अभी करें उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। जैसे ही कोई नई खबर आई सबसे पहले जानकारी आपको मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।